और चलिए बात करते हैं रायपुर की, जहां पर नीट की परीक्षा के लिए 33 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें करीब 12,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने निःशुल्क बसों का इंतजाम किया है। कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं इन्विजिलेटर को क्वेश्चन पेपर आंसर शीट बांटते समय हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करना होगा। नीट के लिए पेपर दोपहर 2 बजे से होकर शाम 5 बजे तक चलेंगे। नीट की परीक्षाएं आज से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं कि आज हम अग्रसेन कॉलेज के बाहर मौजूद है, जहां पर स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला भी अब जारी हो गया है। 11 बजे से इनकी एंट्री का जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार ऐसी ही एंट्री दी जा रही है। इन्हें तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। सैनिटाइजर इनको रखने की जो आवश्यकता है वो जरूरी कर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर बॉटल यहाँ पर ये लोग रखे हैं, वो ट्रांसपेरेंट वाला बॉटल ले करके ये लोग अंदर जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। यहाँ पर मास्क सभी ने पहना हुआ है। इसके साथ ही टेम्परेचर जो है वो अंदर में चेक किया जाएगा। तो तमाम जो एहतियात है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और ये जो स्टूडेंट्स है वो अब प्रवेश कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो 1:30 बजे तक है। 1:30 बजे के बाद से एंट्री नहीं दी जाएगी। बता दें कि 2 बजे से 5 बजे तक के छात्रों का एग्जाम है। उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जाम खत्म हो जाएगा और तब तक उसके पहले यहाँ पर एंट्री का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम एहतियात के बीच में एंट्री का जो सिलसिला वो जारी है। ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया जाएगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर सभी स्टूडेंट्स को रखना अनिवार्य है। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। भारत